शनिवार को ब्लॉक सभागार पतारा में पंचायत सहायकों के द्वारा एक बैठक कर कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में सहायक विकास अधिकारी पंचायत अनिल वाजपेयी के संरक्षण में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें सर्वसहमति से अध्यक्ष पद के लिए सत्येंद्र सिंह पंचायत सहायक मिर्जापुर को चुना गया। वहीं उपाध्यक्ष के पद पर गरिमा देवी पंचायत सहायिका रतनपुर को चुना गया। दीपक पंचायत सहायक ककरिया को कोषाध्यक्ष बनाया गया। महामंत्री के पद पर उत्कर्ष तिवारी पंचायत सहायक एटर्रा को चुना गया। इस मौके पर हमारे सह संपादक शाहिद खान ने नव नियुक्त अध्यक्ष से बात की। आइए देखते हैं क्या कहा पंचायत सहायक वेलफेयर एसोसिएशन के नव नियुक्त अध्यक्ष ने। देखते हैं नवोदय प्लस टाइम्स के लिए कानपुर से शाहिद खान की इस रिपोर्ट में। नवोदय प्लस टाइम्स में आपका स्वागत है, मैं शाहिद खान। इस वक्त हम लोग जो है मौजूद हैं कानपुर नगर का जो विकास खंड पतारा है वहाँ हम लोग मौजूद हैं, और यहाँ आज जो है पतारा ब्लॉक में पंचायत सहायकों की एक बैठक की गई, जिसमें जो है इनका एक संगठन बनाया गया, और संगठन बनने के बाद यहाँ जो है कार्यकारिणी गठित की गई है। आइए सीधे तौर पर जिनको चुना गया है उनसे बात करें और पता करते हैं कि संगठन का क्या उद्देश्य, आखिर पंचायत सहायकों को ये संगठन क्यों जो है इसकी मुहिम को आगे बढ़ाया गया और इसको संगठित किया गया। बात करते हैं हमारे बीच में यहाँ विजय बहादुर यहाँ उपस्थित हैं। विजय बहादुर, क्या कहना चाहेंगे संगठन के बारे में, कौन कौन चुना गया है? यहाँ पे पंचायत सहायक वेलफेयर एसोसिएशन पतारा की कार्यकारिणी की समिति की जो बैठक हुई है, आज एक संगठन का नया प्रादुर्भाव किया गया है, जिसके तहत हमारे विकास खंड में पंचायत सहायक जो भी कार्यरत हैं ग्राम पंचायतों में, उनमें श्री सत्येंद्र सिंह पंचायत सहायक मिर्जापुर को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया, जो आज हमारे सामने मौजूद हैं जी। और कोषाध्यक्ष के पद पर दीपक कुमार जो पंचायत सहायक ककरैया के हैं उनको तैनात किया गया है। महामंत्री उत्कर्ष तिवारी और नारी शक्ति को भी बढ़ावा देने के लिए हमारे पंचायत सहायक वेलफेयर एसोसिएशन ने उपाध्यक्ष के तौर पर गरिमा देवी पंचायत सहायक रतनपुर को चयनित किया गया है। सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आशा करता हूं कि इस जो हमारा संगठन बना है इसको कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए, और सभी पदाधिकारी लोग चयनित किए गए हैं सभी को बहुत बहुत बधाई। नवनिर्वाचित जो है अध्यक्ष को यहां चुना गया है, आइए उनसे बात करते हैं क्या उनकी प्लानिंग रहेगी, किस रणनीति से वो संगठन को आगे लेके जाएंगे। क्या नाम है आपका? श्री सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र जी, किस पद पर चुना गया है आप? जी, अध्यक्ष पद पर हमें चुना गया है। क्या संगठन का क्या नाम है आपके? ग्राम पंचायत सहायक वेलफेयर एसोसिएशन पतारा। तो क्या मतलब कितने लोग शामिल थे आपके इस कार्यक्रम में? कुल हमारे पतारा विकास खंड में 50 ग्राम पंचायतें, जिनमें से 45 पंचायतों में ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सहायक तैनात हैं। उनमें से आज लगभग जो ये बैठक हुई थी, संघ की बैठक जो हुई थी, उसमें लगभग 40 पंचायत सहायक उपस्थित थे। उन सब की सहसम्मति के द्वारा ये पंचायत सहायक अध्यक्ष, पंचायत सहायक उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और महामंत्री की नियुक्ति की गई। संगठन को कहाँ लेके जाएंगे आप? संगठन का उद्देश्य ये है कि जो ब्लॉक स्तर से हैं, ब्लॉक स्तर से जो जितने भी अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, उनका काम जो है मतलब सारे पंचायत सहायकों को करवाना, मतलब उनसे उनकी हेल्प करना, और इसके बावजूद जो मतलब वैसे शोषण वगैरह हैं पंचायत सहायक जो शोषण होते हैं, उसके विरुद्ध हम लोग एकत्र होकर अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। मतलब नहीं, शोषण शब्द को मैं थोड़ा सा परिभाषित करिएगा आप, क्योंकि अभी तो नई जॉब है। कब आप लोग ज्वाइनिंग कब हुई थी, जल्दी संगठन आपका बन गया, ये थोड़ा बात समझाने की कोशिश करिएगा। हमारी लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी आज से लगभग 2 साल पहले, 25 सितंबर 2021 को, और तब से चलकर अभी तक मानदेय के संबंध में सभी को पता है कि 6000 पंचायत सहायकों का मानदेय है। तो सबसे पहला शोषण तो मानदेय के संबंध में है कि 6000 कम मानदेय है, और इसके अतिरिक्त जो अन्य विभागों के काम भी हम लोगों को दिए जाते हैं। हम लोग पंचायती राज विभाग से हैं, इसके अंतर्गत हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग के काम, राजस्व विभाग के काम, कुछ बहुत सारे विभागों के काम दिए जाते हैं, यही एक शोषण है। तो इस संगठन को कहाँ मतलब ये जो संगठन है आपका सिर्फ अपने ही ब्लॉक में है या फिर इसकी इकाइयाँ और भी इकाइयाँ गठित की गई? जी, संगठन की सबसे छोटी इकाई ब्लॉक स्तर पर है, ये है पंचायत सहायक संगठन पतारा से, और इसके अतिरिक्त अन्य भी ब्लॉकों में संगठन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो इकाइयाँ हैं ब्लॉक स्तर की वो जिला स्तर पर हैं, और इसके बाद सीधे प्रदेश स्तर पर भी हमने चुना है, वो ग्रुप में है, ग्रुप के माध्यम से हम लोग एक दूसरे जानकारी शेयर करते हैं। अध्यक्ष जी, अभी आप नई जोश आपके अंदर है, आपको जो है चुना गया है, और यहाँ के जितने पंचायत सहायक हैं सबको काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे, तो उनके लिए क्या मैसेज आप जो है अपने संगठन को देना चाहेंगे, किस प्रकार से आप मेरे चैनल के माध्यम से, नवोदय प्लस टाइम्स के माध्यम से आप बताना चाहेंगे
कि आपकी क्या रणनीति रहेगी पंचायत सहायकों के लिए, किस हद तक जो है आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे? जिम्मेदारी हमारी ये रहेगी जो जो पंचायत भाई एक्टिव नहीं है, क्योंकि जो हमारे लोगों का प्रशिक्षण हुआ नहीं है, उस तौर से जिस तरीके से हम लोगों को चयन हुआ उस तरीके से प्रशिक्षण नहीं हुआ है, और काम हमारे लोगों बहुत सारे हैं, तो कुछ हमारे भाइयों साथियों को काम करने में समस्याएं आती हैं, तो उनका भी निवारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो बोलने में समस्याएं आती, जो ब्लॉक स्तर जो समस्याएं आती हैं, वो हम लोग अध्यक्ष के माध्यम से और बाकी जो सदस्य हैं उनके माध्यम से उसका निवारण करेंगे। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से पंचायत सहायकों को आप? जी, सभी पंचायत सहायक के लिए ही काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे, और उम्मीद करते हैं सभी पंचायत सहायक पसंद भी करेंगे, ऐसा काम करेंगे। आप साफ देख सकते हैं कि नव निर्वाचित पंचायत सहायकों का आज यहाँ पर एक संगठन की कार्यकारिणी का गठन किया गया है, और नव निर्वाचित जिनको चुना गया है अध्यक्ष जी को, काफ़ी उमंगें, काफ़ी जोश उनके अंदर दिखाई दे रहा है, और यहाँ के जो पंचायत सहायक हैं उन सभी में जो है काफ़ी उम्मीदें हैं कि सत्येंद्र जो है अध्यक्ष बनने के बाद कुछ नया बदलाव लेके आएंगे। आइए देखते हैं ये पंचायत सहायक का संगठन किस हद तक जो है आगे काम करता है, और पंचायत सहायकों की के लिए मदद के लिए जो है मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। मैं शाहिद खान पतारा से, कानपुर नगर के लिए।